इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूपी के मुजफ्फरनगर से पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुआ। घायल बदमाश के पास से एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। ग्राम बुढ़ाखेड़ा कसोली नदी पुल के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा है। वहीं घायल बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। ग्राम बुढ़ाखेड़ा कसोली नदी के पुल के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा है। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। ग्राम बुढ़ाखेड़ा कसोली नदी पुल के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश वो घायल हो गया है मुठभेड़ के दौरान, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा है। वहीं घायल बदमाश के पास से एक तमंचा पुलिस ने बरामद किया है और उसके साथ 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। ग्राम बुढ़ाखेड़ा कसोली नदी पुल के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। जो घायल बदमाश है, पूछताछ पर उसका नाम राजेंद्र उर्फ बलजीत उर्फ पल्ली, पुत्र हरियाण निवासी भौपरेली थाना भौपा बताया गया है, और उसको वास्ते उपचार जिला अस्पताल में भेजा गया है। उसके कब्जे से एक तमंचा 315 और 2 जिंदा कारतूस तथा 2 का कारतूस बरामद हुए हैं। जब उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी दी गई तो उस पर अभी तक 12 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें अधिकतर लूट और डकैती तथा नकबजनी के मुकदमे हैं। और जो फरार अभियुक्त है उसका नाम पतंगा सनव गोपाल, निवासी ध्यानपुरा थाना मंडावर बिजनौर का रहने वाला है। उसके आपराधिक इतिहास की अब तक की जानकारी में उसके खिलाफ भी 6 मुकदमे